हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एक बार आपके इस चैनल रोजगार में अंकित में। दोस्तों, एसएससी जीडी 12/2/2018 ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस, मैं इसको कह सकता हूं। हालांकि इसमें सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट के मैं 45 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूं, आप वीडियो देख लेना, नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के आ चुके हैं। वो कैसे, 25 ही तो आ रहे हैं, हर शिफ्ट में दो सेट बन रहे हैं, तो 50 में से 45 पल्ले पड़ गए हमारे, ठीक है। और बाकी रही सेकंड और थर्ड की, तो इसमें थर्ड के बहुत कम है, ज्यादातर सेकंड शिफ्ट के ही हैं। जो थर्ड के बच्चे वो कहेंगे जो हमारा क्वेश्चन तो आया ही नहीं, तो इसमें सेकंड के क्वेश्चन ज्यादा है, थर्ड के मुझे अभी मिल नहीं पाए हैं ज्यादा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या, ओडीबीसी का फुल फॉर्म ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी ओडीबीसी का फुल फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो आप सबको पता है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। महिला दिवस, तो जो नए राज्य मुख्यमंत्री बने हैं, अब सारे राज्यों को याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि नए राज्य जो बने हैं उनका ज्यादा अच्छे से याद कर लेना, राजस्थान वगैरह जहां भी इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में। तो महिला दिवस, महिला दिवस सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एक डे तो जरूर पूछा जा रहा है हर सेट में। त्रिपुरा की राजधानी, हर देखिए भारत के 29 स्टेट है, उनकी राज्य की राजधानी रट लीजिएगा आप, हर स्टेट हर एक पेपर में एक राजधानी जरूर आ रही है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बिल्कुल, और लास्ट तक आती रहेगी, टेंशन मत लो। ईरान की मुद्रा रियाल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, J&K यानी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो पहले बिहार के राज्यपाल भी थे, रामनाथ कोविंद को इन्होंने ही रिप्लेस किया था, सत्यपाल मलिक। जैसे ही रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, बिहार के जो मतलब फिलहाल भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, रामनाथ कोविंद जी, तो ये पहले बिहार के राज्यपाल थे, वहां से उठा के राष्ट्रपति बने, फिर इनकी जगह ये सत्यपाल मलिक जी बिहार के राज्यपाल बन गए, और अब ये फिलहाल J&K यानी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनको तो कौन नहीं जानता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल आप सबको ही पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, कब हुई तो 1828, अगर ये पूछा गया, ये क्लियर नहीं आया निकल के। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, वो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, वो आप सब जानते हो। नेक्स्ट, लौह पुरुष किसे कहा जाता, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में एक क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है उनके बारे में, ठीक है। तो सरदार पटेल के बारे में, लौह पुरुष सरदार पटेल, बिल्कुल, तो सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी, बारदौली सत्याग्रह के दौरान, या बारदौली की महिलाओं ने, कहोगे आप, ठीक है। तुर्क ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था, दोस्तों ये गयासुद्दीन बलबन इनका नाम था, इन्होंने इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट है सोना का रासायनिक सूत्र AU, चांदी का भी रट लीजिएगा AG, पारे का भी रट लीजिएगा HG, तो ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो सीधा सीधा मतलब इनका प्रतीक जान करके जाइएगा आप, ठीक है। ओरम बोलते हैं AU को, ओरम। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये 23 जून, डेट अगर पूछी गई है तो 23 जून है, और सन पूछी गई है तो 1757, पूरा पूछा है तो 23 जून 1757। सर्वाधिक तन्य धातु, तो तन्य धातु सर्वाधिक सोना होती है, सुबह की शिफ्ट का शायद क्वेश्चन था, मुझसे छूट गया इसलिए मैंने यहां ले दिया, ठीक है। 1948 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, दोस्तों एक गोल्ड फिल्म आई थी उसी की वजह से क्वेश्चन पूछा गया, वरना इसका कोई मतलब नहीं था पूछने का, किशन पाल, ठीक है, उसमें किशन पाल का रोल भी हुआ है, अच्छा अक्षय कुमार ने नहीं किया, वो तो एक मैनेजर के तौर पे थे, ठीक है। तो 1948 में, क्योंकि गोल्ड मेडल जीता था मतलब इंडियन ओलंपिक टीम ने, हॉकी टीम ने, तो उस टाइम पे कप्तान पूछे किशन पाल है। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर PM, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, बहुत फेमस रही थी ये पुस्तक, बहुत चर्चा में भी रही थी, ठीक है, शशि थरूर। नेक्स्ट है 2019 का वॉलीबॉल वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, तो दोस्तों ये है जापान में। नेक्स्ट है हवा महल, तो हवा महल शायद कल भी आया था क्वेश्चन, और आज फिर से रिपीट हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये
देखिए एक चीजें पुरानी जो कल्चर चीजें हैं इनको, महलों को, इन सब चीजों को जो पुराने राजाओं ने बनवाई हैं इनको सबको रट के जाइएगा, कौन सा किसने बनवाया। मोती मस्जिद भी पूछी जा चुकी है, चार मीनार कहाँ पर है ये पूछा जा चुका है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे पूछी जा रही है, तो जरूर इनको रट लीजिएगा एक बार। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम अगर पूछा गया है तो दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप, इन सबको ही पता है, शायद ये नाम सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। फ्रांसीसी क्रांति में किसने हिस्सा लिया था, तो दोस्तों जैकोबियन क्लब के सदस्य थे हमारे टीपू सुल्तान, उन्होंने उसी टाइम इसमें फ्रांसीसी क्रांति के हिस्सा रहे थे कुछ टाइम, तो टीपू सुल्तान। सर्वग्राही रक्त समूह, कल सर्वदाता पूछा सर्वग्राही। साइमन कमीशन बहिष्कार में किसकी मृत्यु हुई थी, साइमन कमीशन का बहिष्कार करते करते सबको पता है लाला लाजपत राय जी की, ठीक है, 1928, 3 फरवरी 1928 याद होगी डेट भी, ठीक है। इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम कहां पर है, दोस्तों इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम है चंडीगढ़ में, तो बिल्कुल रट लीजिएगा। नेक्स्ट है इराक की मुद्रा, इराक की, देखिए ऊपर ईरान की थी, यहाँ इराक की है दिनार, तो अब कोई सी पूछी गई है या दोनों ही एक ही पूछी है इनमें से, वो मुझे नहीं पता, इराक की भी कह रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ ईरान की भी कह रहे हैं, तो दोनों ही मैंने लिख दिए, हो सकता है दोनों ही पूछी गई हो अलग अलग, एक शिफ्ट में दो दो सेट आ रहे हैं। पहली महिला ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिसने जीता हो, तो मैरी रॉटन वो महिला थी, और इन्होंने ये जीता था शायद 1982 या 84 है, तो देख लीजिएगा वो, तो पहला गोल्ड आया था महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व। 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, ठीक है, धोनी के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और अगर मैन ऑफ द सीरीज पूछे जाए, वर्ल्ड कप के सवाल आ रहे हैं, 2007 का भी पूछा जा चुका है सुबह की शिफ्ट में, और अब ये पूछा है, तो 2007 के में तो मैं एमएस, इंडिया ने जीता ही था, एमएस धोनी कप्तान थे, वो कप्तान पूछा उस टाइम पे, और आज पूछा है वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच एमएस धोनी, मैन ऑफ द सीरीज पूछे तो युवराज सिंह, तो जैसे भी आप कहो ऐसे। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका, आप सबको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज किसने की है, कॉपरनिक्स ने सौरमंडल की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक के पहले गवर्नर जनरल, बिल्कुल जिन्ना साहब है ना, तो जिन्ना ये है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे छोटा पक्षी, दोस्तों प्रधानमंत्री भी पूछे जा सकते हैं, पाक के पहले पीएम लियाकत अली। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी भी बोलते हैं हिंदी में, हमिंग बर्ड कहो या गुंजन पक्षी कहो। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति, ये सुबह की शिफ्ट में भी था क्वेश्चन, शायद इस बार शाम में भी रिपीट हुआ है, तो देख लेना। दीपा कर्मकार किस खेल से संबंधित है, ये जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है किस मूवी को बेस्ट मूवी एकेडमी अवार्ड 2018 मिला है, तो द शेप ऑफ द वाटर, बिल्कुल हॉलीवुड मूवी है, सबको पता होगा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी। बड़ी क्षेत्रफल में पूछी जाए तो अमेजन नदी है। नेक्स्ट है सबसे अमेजन, नील है मिस्र में, अमेजन है अमेरिका में। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन, ठीक है सियाचिन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्ला खां, जिनकी डेथ अब तो हो चुकी है 2006 में शायद, बिस्मिल्ला खां। तो ऐसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं, तो ऑप्शन दे रखे थे, बिस्मिल्ला खां में ऑप्शन था, आप आराम से पहचान सकते थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8648 मीटर, बहुत लोग 8650, जो भी ऑप्शन में आया हो इतना नजदीक का नहीं आ सकता, 8648, ठीक है, दो मीटर तो बर्फ से बढ़ जाती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। मिया का मल्हार राग किसने बनाया, तो तानसेन, बिल्कुल याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है पोषण राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहां पर है,
तो ये आप लिखेंगे हैदराबाद, ठीक है। अब कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं, रात हो चुकी है, टाइम उनका शुरू, अब हमारा खत्म होने वाला है। ऑटो एटीएम का पूरा नाम, देखिए बहुत लोग बोलते हैं एनी टाइम मनी, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक भी बोलते हैं बहुत सारे, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो, सबको पता ही है, इसमें 16-17 देश हैं, उन सब की मुद्रा यूरो। नेक्स्ट है जस्ट डू इट, किस कंपनी की टैगलाइन है, नाइक कंपनी है, बिल्कुल दोस्तों, NIKE, बहुत जगह आपने देखा होगा जूते वगैरह, ठीक है, नाइक के मिलते हैं। तो ये सब दोस्तों 43 क्वेश्चन इकट्ठे कर पाया हूं, इससे ज्यादा नहीं हो पाए मुझ पे, तो इसमें सेकेंड शिफ्ट के ज्यादातर क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट के बहुत कम क्वेश्चन है, तो थर्ड शिफ्ट के मुझसे ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाए। अब जितने भी हैं इनसे संतोष कर लीजिए, आपको पता चल गया किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल डेली मैं इस शाम को एनालिसिस इस तरह से आपको देता रहूंगा। दोस्तों एक बात और, अगर आपको चाहिए कि आप मैथ्स का कुछ नहीं बता रहे हैं, रीजनिंग का कुछ नहीं बता रहे हैं, तो हिंदी का कुछ नहीं बता रहे हैं, तो इन तीनों पर मेरे मॉक टेस्ट जैसे भी पेपर आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं जीके के इतने इकट्ठे कर सकता हूं तो मैथ्स रीजनिंग में भी लगा होऊंगा, सीधी सी बात है। तो मैथ्स के, रीजनिंग के और हिंदी के, इन सब के आपको मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, और उन मॉक टेस्ट में डाले हैं इनके रिपीटेड क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं दे चुका हूं, मैथ्स का देख लीजिएगा आप, हिंदी का देख लीजिएगा, रीजनिंग का कल आ जाएगा। तो अब इतना ही काम आज के लिए बहुत है, ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।